हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग सीखने वाले क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 9। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। प्रथम 7 पदों का योग 49, तो लिखेंगे S7 बराबर 49। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इधर प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो S17 बराबर 289। इसके बाद क्या ज्ञात करने बोल रहा है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले लेके चलते हैं S7 को। S7 बराबर 49, तो इधर फॉर्मूला लगाएंगे n बट्टे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 49। n का मान कितना है इसमें, 7 बट्टे 2 इंटू 2, a का मान नहीं मालूम, जोड़ n का मान 7 है माइनस 1, डी का मान नहीं मालूम बराबर 49। ये नीचे बट्टे में जो 2 है ये यहाँ से यहाँ गुना हो जाएगा, 6d बराबर गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 98। अब यहाँ 7 गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2a प्लस 6d बराबर 98 बट्टे 7। 7 से कटेगा कई बार में, 14 बार में, 2a प्लस 6d बराबर 14। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। सवाल में और क्या ज्ञात करने बोल रहा है, ये S7 को लेके चले थे, अब लेके चलेंगे S17 को। S17 बराबर कितना दिया हुआ है, 289। इधर फॉर्मूला लगाएंगे बराबर 289। यहाँ n का मान कितना है, बदल गया, यहाँ 17 है n का मान, 17 बट्टे 2 इंटू 2, a का मान नहीं मालूम, प्लस n का मान 17 माइनस 1, d का मान नहीं मालूम बराबर 289। ये 2 अब यहाँ इससे गुना हो जाएगा, 17 2a प्लस यहाँ घटेगा तो 16d बराबर 2 से गुना होगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 578। अब यहाँ पे 17 गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2a जोड़ 16d बराबर 578 बट्टे 17। 17 से कई बार में कटेगा, 34 बार में, 2a प्लस 16d बराबर 34। सेकेंड समीकरण मान लेते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण फर्स्ट को पहले लिखेंगे, क्या था समीकरण फर्स्ट, 2a प्लस 6d बराबर 14, समीकरण फर्स्ट इतना था। अब सेकेंड कितना है, 2a प्लस 16d बराबर 34, ये समीकरण सेकेंड है। यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 10d बराबर यहाँ माइनस 20 बचेगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, डी बराबर कितना होगा, 20 बट्टे यहाँ 10, ये कई बार में, 2 बार में, तो डी बराबर कितना आ गया, 2। अब समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट को लिखते हैं, यहाँ पे 2a प्लस
छोटी बराबर 14। अब डी का मान इसमें रखेंगे, 6 × 2 = 14, 2a प्लस यहाँ गुना होगा तो 12 = 14, 2a = 14, इसको दाहिने साइड टपाएंगे, घटाओ 12, 2a = घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। अब इधर 2 गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, a = 2/2, 2 कैंसिल होगा एक बार में, तो a = कितना आ गया 1। यहाँ लिखेंगे अतः n² आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।